एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों जो स्टार्ट करनी है? नई बुक में 8.3 और ओल्ड बुक में 8.4। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ का या फिफ्थ का? ओल्ड बुक में फिफ्थ है ना, और न्यू में फोर्थ होगा फिर ये। और कौन सा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम? फोर्थ पार्ट। इससे पहले के हमने सभी कर लिए थे, गुड। देखो जरा फोर्थ पार्ट कर पाओगे अपने आप? कर लिया? जिन्होंने नहीं किया वो इधर देखो। जिन्होंने नहीं किया है वो इधर देखो। देखो बच्चों जरा क्या कहता है ये। वन प्लस सेक थीटा, एलएचएस क्या है? एलएचएस क्या है? वन प्लस सेक थीटा अपॉन अपॉन सेक थीटा नहीं है, ए है, सेक ए अपॉन सेक ए। और क्या प्रूव करना है इसको बताओ, क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? जरूरत नहीं है दोनों का अलग अलग सॉल्व करने की, दोनों से करना, दोनों से भी कर सकते हैं, एक से करना है एक से भी हो जाएगा। पहले तो बच्चों इसको साइन कॉस में चेंज करो, सभी बच्चे मुझे इसको साइन कॉस में चेंज करो। नहीं ये करना, हमारा दिमाग नहीं सोच सकता कि मुझे कॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
फिर इसके लिए आसान तरीका यही है कि यहाँ से क्या बचा था, यहाँ से क्या बचा था, 1 + 1 बचा था ना, फिर वो राइट हैंड साइड को 65 कर दो। आ जा बेटा कौन है, ठीक है, वो राइट हैंड साइड को 65 कर दो, ठीक है, क्या आएगा देखो जरा 5th क्वेश्चन, साथ साथ कोई नहीं लिखेगा, इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे बाद में लिखेंगे। देखो एलएचएस क्या है, क्या है एलएचएस, एलएचएस है कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए -1, ठीक है। और बच्चों आरएचएस क्या है, मैं इधर लिख देता हूं आरएचएस, आपको प्रूव क्या करना है, ये वही बातें नहीं, वो उस यस की होगी, छोड़ दो उसकी, कितनी है आरएचएस क्या है भाई, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, नहीं ये नहीं आरएचएस, आरएचएस देखो क्या है, कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ये प्रूव करना आपको। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्या करेंगे, एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, आपको प्रूव क्या करना है, कॉसिकेंट ए, कॉसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। अब हमारे क्वेश्चन में साइन कोसिकेंट तो कहीं है नहीं, तो हम अपने क्वेश्चन में क्या बनाएंगे, कोसिकेंट बनाएंगे, कोसिकेंट होता है 1/sin a, तो कहीं कहीं ना कहीं हमारे पास 1/sin a होना चाहिए तभी बन पाएगा, ठीक है भाई। इसलिए हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन की हर टर्म को कोसिकेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, पूरे न्यूमरेटर को आप साइन ए से डिवाइड करोगे, पूरे न्यूमरेटर को क्या करोगे, साइन ए से डिवाइड करोगे, साइन ए से क्या डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है भाई, ठीक है, न्यूमरेटर को डिवाइड किया, आप डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करोगे, अपॉन में क्या है साइन ए, समझ आया है आपको। अब देखो जरा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने किससे डिवाइड कर दिया, ये भाग के रखा बाहर, ये उस तक रख लो, वो आ जाएगा उसको दे देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर दो किसके रह गए, अच्छा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए से, कर दिया डिवाइड। अब इस साइन ए को सभी टर्म्स के नीचे अलग अलग लिखेंगे, ऐसा होता है ना, a प्लस बी अपॉन में c है, तो इसको a अपॉन c और b अपॉन c लिख सकते हैं, ठीक है, तो साइन a को सबके नीचे अलग अलग लिखोगे, cos a अपॉन साइन a, cos a अपॉन माइनस साइन a अपॉन साइन a प्लस 1/sin a अपॉन में, बताओ भाई, cos a अपॉन साइन a प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1/sin a,
ठीक है, ये है। अच्छा, कॉस ए अपॉन साइन ए, बताओ कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉट ए, दिस इज इक्वल टू कॉट ए। साइन ए अपॉन साइन ए क्या होगा भी? वन हो जाएगा, माइनस वन। और ये वन अपॉन साइन ए कॉस ए के अपॉन कॉस अपॉन साइन कॉट ए, साइन अपॉन साइन प्लस वन, वन अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए के। समझ आया? देखो जरा क्या होगा, दिस इज इक्वल टू। अब क्या करना है, प्रूव क्या करना है? आरएचएस लिखा हुआ है ना आपके सामने, लिखा हुआ है ना आरएचएस। देखो तो यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल है ये क्वेश्चन। एक काम करो, पहले तो इस कॉट और कॉसिकेंट को साथ साथ लिखो। कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस वन अपॉन में, यहां पर भी कॉट और कॉसिक, इसमें तो चाहे नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखना चाहते हो तो लिख लो। कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस वन। उसके बाद बच्चों आपको, आप इस वन को चेंज करेंगे, आप इस वन को चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा। क्या होती है? कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस वन प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा। आप इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ठीक है? तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस, इस वन को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे इस वन को आप? कॉस एक्स स्क्वेयर। हाँ, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर आप कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा को कॉट को लेफ्ट में ले आओ, माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा दिस इज इक्वल टू वन, करेक्ट? तो कॉसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस कॉट स्क्वेयर ए लिख सकते हैं ना वन को, कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा। और नीचे क्या है भाई? कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस वन, कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए प्लस वन, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू। बताओ ये क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस। अच्छा रुको, इसको ऐसे ही रखो, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए माइनस, ये क्या है, आगे वाली टर्म क्या है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के क्या फैक्टर होते हैं? ए माइनस बी, ए प्लस बी। गुड, सभी को पता होना चाहिए, एक बात याद रखा करो जब पढ़ रहे होते हो। अब बहुत सारे ग्रुप में सारे बच्चों ने बोल दिया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। एक बच्चे को रियलाइज हुआ, अरे मेरे को तो नहीं पता था, साथ के साथ उस चीज को लिख लो, तो ये रहेगा कि मुझे ये चीज नहीं पता थी। और उसको घर जाके 2 से 3 बार लिखो, पढ़ो, जो भी करना है करो और उसको याद करो, समझ गए? तो साथ साथ तुम्हें पता लग सकता है कि हमें क्या नहीं पता था। सबने ये आइडेंटिटी बताई, लेकिन एक बच्चे ने देखा कि मुझे तो ये आइडेंटिटी नहीं पता थी, तो वो साथ में लिख लो इसको। और तो जो जो नहीं आता उसका अलग से कॉलम बना दो पेज के ऊपर, उस पेज पे आपको क्या क्या नहीं आता था साइड में लिख दिया। आइडेंटिटी याद नहीं थी, फॉर्मूला याद नहीं था, कुछ भी था जो। यहां पर देखो, इसके दो फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा, कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, ठीक है? समझ आया? क्या करेंगे बताओ जरा। अब यहां से हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? न्यूमरेटर से कॉसेक ए कॉट ए देखो यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहां से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है? क्या बचा? माइनस, सॉरी माइनस नहीं,
यहां से अगर ये कॉमन आ गया तो वन बचेगा, क्या बचेगा, और यहां से भी ये कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया तो यहां क्या बचेगा, माइनस ऑफ दिस, माइनस ऑफ कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए, ये ब्रैकेट के अंदर है ना, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इस माइनस की वजह से ये वाला साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, तो मैं यही प्लस कर दूं इसको, अपॉन में क्या है देखो जरा, अपॉन में है कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस वन, देखो प्लस का कॉट ए देख रहे हो, प्लस का कॉट ए, माइनस का क्या है कोसेकेंट ए, और प्लस में वन भी है, ये पूरी टर्म एक जैसी है, ठीक है। तो आंसर क्या बचा हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास बचेगा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू, यही हमारी आरएचएस है, देखो जरा। बोलो, कॉमन लिया था ये वाली टर्म, यहां से ये वाली और यहां पर ये वाला, ये सर्कल वाली टर्म कॉमन आ गई, तो यहां से ये कॉमन पूरा निकल गया तो क्या बचेगा, वन, यहां से ये कॉमन निकल गया तो फिर ये बचेगा, ये बचेगा, और जब ये माइनस ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा कोसिकेंट, और ये कॉट ए क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, ठीक है, करो जरा इसको कॉपी, देखो बच्चों क्वेश्चन देखो पहले बिगनिंग से, एलएचएस हमें गिवन है क्या, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में उसके क्या है 1 माइनस साइन ए, और इसको प्रूव क्या करना है आपको, आरएचएस क्या है, आरएचएस क्या है, सेकेंट ए, सेकेंट ए प्लस टेन ए, सेकेंट ए प्लस टेन ए, ठीक है, कैसे करोगे जरा इसको बताओ, देखो जरा एलएचएस को देखो बच्चों, एलएचएस को देख लिया ना, एलएचएस क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, इसको रैशनलाइज कर दें, रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर दो, रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर दो, तो वन माइनस साइन ए अपॉन, सॉरी प्लस से रैशनलाइज होगा, ये पता है ना रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर के बीच वाला साइन चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स के बीच में माइनस का साइन उसको चेंज कर देंगे प्लस, क्या बन जाएगा ये, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन नीचे ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, क्या बनेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर, समझ आया क्या, अब देखो जरा, देखो बच्चों ये वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, बताओ वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, रूट से बाहर निकालो, ये वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, ठीक है, नीचे कॉस स्क्वायर है रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, कॉस ए, ठीक है, अब सेपरेटली डिवाइड करो इसको, डिनोमिनेटर में अलग अलग लिखो, वन प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, कॉस ए को क्या लिखोगे, वन अपॉन कॉस ए को क्या लिखोगे, सीकेंट ए, सीकेंट ए, साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए, क्या होगा ये, टेन ए, समझ आया, दैट इज इक्वल टू आर एच एस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, पिछला क्वेश्चन सभी का हो गया ना, बताओ जरा, एल एच एस इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, और आरएचएस क्या है, आरएचएस है टेन थीटा, आरएचएस क्या है, टेन थीटा,
चलो भाई, साइन थीटा, न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन लो जरा, है ना, न्यूमरेटर से लिया जा सकता है ना, टू साइन स्क्वेयर थीटा, नीचे से कॉस थीटा कॉमन लो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई, नीचे ये कॉस क्यूब में से एक कॉस बाहर चला गया तो क्या बचेगा, टू बचेगा और कॉस स्क्वेयर थीटा बचेगा, माइनस में वन, समझ समझ आया, देखो पहले समझ लो इसको, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन थीटा, और इधर इधर बताओ जरा, देखो किसी भी एक को चेंज कर लो, चाहे तो ऊपर वाले कॉस साइन को चेंज कर लो या नीचे वाले कॉस को चेंज कर लो, दोनों को चेंज नहीं करना, वन माइनस टू इस साइन स्क्वेयर थीटा को चेंज कर लो, क्या बनेगा बच्चों, वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, वैसे ना नीचे वाले को चेंज करना ज्यादा आसान है, ठीक है, मैं ऊपर वाला करके दिखा देता हूँ, आप नीचे वाले भी कर सकते हो, टू कॉस स्क्वेयर थीटा, अच्छा यहाँ जो साइन स्क्वेयर थीटा था उसको चेंज कर दिया ना, वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा में, और नीचे एज इट इज रखना है, टू कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस वन, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा, कितना आ गया, टेन थीटा, खोलो ब्रैकेट, वन माइनस, ओपन करो, टू प्लस टू कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस वन, ठीक है, बताओ क्या बचा, टेन थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, ये टू और दिस मिलके क्या बन जाएंगे, और ये क्या है, कॉस स्क्वेयर थीटा, क्या है, कॉस स्क्वेयर थीटा, ऊपर बचेगा टू कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस वन, नीचे क्या है, टू कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस वन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा नीचे डिनोमिनेटर में, अब इसको इससे कट कर दो, क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, एट एल एच एस बताओ क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वेयर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, आरएचएस बताओ क्या है, सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए, सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, देखो जरा ध्यान से देख रहे हो, दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए, क्या करोगे बच्चों बताओ जरा, एक काम करो पहले तो होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सिमरन बताओ भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो इस पे, पहले समझ लो, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए, कॉस एक्स स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू साइन ए इंटू कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर, आगे वाले पे भी होल स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए सेक ए, टू कॉस ए सेक ए, दिस इज इक्वल टू, बताओ बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, वन, और बच्चों ये कॉसिकेंट स्क्वायर ए तो देखो हमें आंसर में नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, कॉट चाहिए हमें, तो कॉसिकेंट स्क्वायर ए को कॉट में बड़े इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, अच्छा एक बात और बताओ, इस कॉसिकेंट स्क्वायर ए को मैं लिख रहा हूं क्योंकि कॉसिकेंट हमें नहीं चाहिए, हमें कॉट चाहिए, तो कॉसिकेंट को कॉट में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या लिखोगे इसको, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये साइन और कॉस कैंसिल हो जाएंगे,
साइन और कॉस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्यों क्यों कैंसिल हो जाएंगे? देखो साइन ए है, कॉसिकेंट ए होता है वन अपॉन साइन ए, कॉसिकेंट ए क्या होता है, तो उसको वन अपॉन साइन ए लिखेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये कॉस स्क्वेयर मैं पहले ही लिख चुका हूँ, सीकेंट स्क्वेयर ए, देखो हमें सीकेंट स्क्वेयर नहीं चाहिए, टेन चाहिए, तो सीकेंट स्क्वेयर ए को टेन स्क्वेयर ए में बड़े इजीली चेंज किया जा सकता है, वन प्लस टेन स्क्वेयर ए प्लस कॉस और सेक कैंसिल हो जाएंगे। देखो कॉस ए इंटू सेक ए कितना होता है, वन अपॉन कॉस ए, वन अपॉन कॉस ए कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? अच्छा यहाँ पर टू नहीं लिखा भाई, जब ये कट किए थे तो यहाँ इसका टू तो बचेगा ना, इसका टू बचेगा, ये टू लिखा नहीं हमने, तो आप लिख देते हैं ठीक है, और इसका भी कैंसिल करेंगे तो टू बचेगा, प्लस में टू एक और आएगा, समझ आया? पूछना है कुछ? ओके, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए, वन वन प्लस कॉट स्क्वेयर ए, कॉसेकेंट स्क्वेयर ए, तो सॉरी क्यों कर रहा हूं मैं, चेंज ही तो किया था, हमें चाहिए ही नहीं। अब देखो जरा, ये वन हो गया, अच्छा ये वन हो गया राइट, ये ऐसे ही लिख रहा हूं मैं एक बार, वन प्लस ये वाली टर्म कॉट स्क्वेयर ए, ये वन प्लस टेन स्क्वेयर ए भी ऐसे ही वन प्लस टेन स्क्वेयर ए, और ये टू और टू फोर हो गया, टू और टू मिलके क्या हो गया फोर। अब देखो जरा दिस इज, बताओ वन प्लस वन टू थ्री एंड फोर कितना हो गया, सेवन प्लस कॉट स्क्वेयर ए प्लस टेन स्क्वेयर ए, समझ आया? ऐसे करना है, दिस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। देखो नेक्स्ट कौन सा पार्ट है, नाइन्थ पार्ट, देखो नाइन्थ पार्ट क्या है, एलएचएस बताओ, माइनस साइन, कॉसेकेंट ए माइनस साइन, हाँ किस बच्चे को ये समाता है, देखो बच्चों कैसे किया, एलएचएस आरएचएस दोनों सॉल्व किया, एक साइड सॉल्व किया, हम अब एक से सीखो, अब एक से सीखो, देखो बच्चों खुला रखना है, ताला दिमाग पे नहीं लगा के रखना है, इसको बीच में चेंज करोगे, वन अपॉन साइन माइनस, इसको साइन ए ही रहने दो, इनटू इसको किस में चेंज करोगे, वन बाई कॉस ए, इसको कॉस ए ही रखेंगे, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर क्या बनेगा, सिमरन बताओ क्या बनेगा, साइन ए माइनस एलसीएम पीछे आता है, बताओ क्या बनेगा, गलत है तो बताना, वो तो बताना, अब बताओ एलसीएम बताओ पहले क्या आएगा, एलसीएम साइन ए आएगा इनका, अब आगे बताओ उसका क्या आएगा, वन माइनस साइन ए, आज घर जाके ना एलसीएम आएगा, मैंने एलसीएम पूछा है, आप क्या बता रहे हो,
एग्जाम में किसी और कुछ कुछ पूछा कुछ लिख के कुछ और आओगे तो मार्क्स थोड़े मिलेंगे उस चीज के। हाँ यहाँ पर आओ भाई, एलसीएम कौन से आया, यहाँ पर कितना आएगा वन, और यहाँ कितना आएगा भाई कॉस के रे, बताओ वन माइनस साइन स्क्वेयर क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अपॉन साइन ए, वन माइनस साइन स्क्वेयर क्या होता है अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, और नीचे क्या है कॉस ए। अब बताओ भाई कॉस ए कैंसिल और स्क्वेयर से यहां का साइन कैंसिल, यहां क्या बचेगा, क्या बचेगा कॉस ए, कॉस ए और नीचे क्या बचेगा साइन ए, सॉरी साइन ए, हाँ वो तो कैंसिल हो गया था, कॉस ए, कॉस ए बचा, कॉस ए बचा, यहां पर कॉस ए बचेगा और यहां क्या बचेगा साइन ए, यहां साइन ए बचेगा, कॉस ए साइन ए, क्लियर है ये चीज। अच्छा आपको ये प्रूव करना है, तब बहुत सारे बच्चे कहेंगे हम आरएचएस सॉल्व करेंगे, लो जी आरएचएस सॉल्व कर देते हैं, वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है क्या चेंज करोगे भाई इसको, टेन ए को चेंज करोगे साइन ए बाई कॉस ए, पूरा बोला करो, अकेला साइन बाई कॉस नहीं, साइन ए बाई कॉस ए, अकेला साइन कुछ नहीं होता जब तक ए उसके साथ नहीं है, प्लस में कॉट ए को क्या लिखोगे भाई कॉस ए बाई साइन ए, चल भाई एलसीएम बता क्या आएगा, नीचे वाले का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे पहले, कॉस ए साइन ए, वेरी गुड, कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, फिर यहां पर क्या लिखेंगे साइन स्क्वेयर ए, साइन स्क्वेयर ए, यहां क्या लिखेंगे भाई कॉस स्क्वेयर ए, कॉस स्क्वेयर ए, ठीक है, और इनके ऊपर वन भी था ना, वन तो मैंने छोड़ ही दिया, ये तो वन के नीचे थे सारे, है ना, वन के नीचे थे, ठीक है ये बना। अब ये नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी भाई, रेसिप्रोकल वन अपॉन वन बाई साइन ए कॉस ए है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ऊपर वन साइन ए कॉस ए, ये वाला क्या हो जाएगा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस आई हुई है ना साइन ए कॉस ए, ये तो हो गया अगर आप आरएचएस को सिंप्लीफाई करते हो तो, अगर आपको प्रूव करना हो एलएचएस से ही तो कैसे करोगे, देखो जरा आपको क्या चाहिए, टेन चाहिए नीचे, नीचे टेन चाहिए, तो इस कॉस ए साइन ए के नीचे वन लिखो, क्या लिखो, ये है मेंटल गेम, यहां से प्रूव होता है मेंटल गेम, वो थोड़ा समझ रहे हो, दिस इज इक्वल टू, बताओ भाई इसको मैं लिख रहा हूँ, अब इसको देखो इस साइन ए कोसे को मैं कहाँ लिख रहा हूँ, नीचे वन है ना, यहाँ की जो टर्म है वो कहाँ जाएगी, इस वन के नीचे, इस वन के नीचे साइन ए कोसे, लिख सकते हो कैसे आप, पता है ये आपको भाई ए अपॉन, जैसे यहाँ मान लो बी है और इस ए को आपको यहाँ से नीचे लिखना है तो कैसे लिखोगे, यहाँ से ये ए कहाँ जाएगा बी के नीचे, ये ए बी के नीचे जाएगा अगर वैसे लिखना है, नहीं समझ आया, क्लास छठी का फ्रैक्शन है भाई वो, वहां पर तो तुमने किताब खोली नहीं, आएगा कैसे, ये छठी क्लास का काम है, ये टेंथ क्लास का काम नहीं है, चलो अरे ऐसे लिखा होता है तो क्या लिखा जाता है, पता चलो ऐसे लिखा है तो क्या लिखा जाता है, ऊपर से नीचे आएगा इतना नहीं बता तुम्हें, है क्या
छठी क्लास में होता है फ्रैक्शन, नहीं तो बुक लिया ना छठी की, मैं दिखा दूंगा आपको ग्राफ दिख रहा होगा। तो मान हो आप लोग, इस वन को क्या लिखोगे, साइंस केरी प्लस कॉस केरी, बताओ भाई इस वन को, ये जो वन है इसको मैंने लिखा साइंस केरी प्लस कॉस केरी, और नीचे क्या है साइन ए, साइन ए कॉस ए वन अपॉन, इसको अलग अलग नीचे नीचे लिखो दोनों के, क्या लिख क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर अपॉन साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन ए साइन ए कॉस ए साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, साइन अपॉन कॉस को क्या लिखेंगे एन, ठीक है। कॉस से एक कॉस को काट दो, कॉस अपॉन साइन क्या बनेगा कॉस, देखो आया कि नहीं आ रहा, ठीक है। दिमाग थोड़ा सा अच्छा चलना चाहिए, और दिमाग बोलेगा मैथ करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भाई, नाइन्थ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बस देख लो एक बार खत्म करते हैं इसको। देखो बच्चों तीन साइड दी हुई है, वन प्लस टेन स्केयर ए अपॉन वन कॉट स्केयर ए, थोड़ी गर्मी ज्यादा है क्या, ये मुझे ही लग रही है, वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, थ्री साइन है बच्चों इसमें, एक ही सॉल्व करनी है, मतलब ये तीनों इक्वल दिखानी है, जैसे भी करो ये तीनों इक्वल दिखानी है तुम्हें। तो बच्चों पहले मैं तो इस साइड को ले रहा हूं, फर्स्ट वाली साइड को, पहले मैं इस साइड को ले रहा हूं फर्स्ट वाली साइड को, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो बच्चों वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है भाई, सेक्स स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक्स स्क्वायर ए, और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कॉसेक्स स्क्वायर ए, वेरी गुड, दिस इज इक्वल टू, बताओ सेकेंड स्क्वायर ए वन बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉसेकेंड स्क्वायर क्या है वन बाई साइन स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा ये, ऐसा अगर हो ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी हो तो क्या बन जाता है, ए अपॉन बी इंटू डी बाई सी, तो ये क्या हो जाएगा वन बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, एक साइड ये भी प्रूव करनी थी ना, है ना, इक्वल टू लास्ट टर्म, लास्ट वाली एक्सप्रेशन के बराबर आ गया, ये समझ आया ये। अब बीच वाले को लिख लेते हैं, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले की इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है, अब बीच वाले को लास्ट वाले की इक्वल प्रूव कर दें, नाउ अलग से लिख देना नाउ, ताकि यहां से कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस वन माइनस कॉट स्क्वायर ए, बताओ क्या लिखोगे, अच्छा होल स्क्वायर है, देखो जरा
वन माइनस टेन टेन ए का होल स्क्वेयर, वन माइनस टेन ए का होल स्क्वेयर, नीचे वन प्लस टेन ए का होल स्क्वेयर कॉट ए। क्या हो रहा है मुझे, कॉट ए माइनस लगाओ, माइनस बीच में माइनस लगाओ, दिस इज इक्वल टू। बच्चों क्या हो गया बताओ जरा, बोलो। वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए, क्या लिखोगे इसको? एक काम करो, कुछ नहीं करना, सिर्फ इस टेन को, एक अकेले टेन को चेंज कर दो, कॉट को चेंज कर दो सॉरी, तो ये बन जाएगा वन माइनस टेन ए। समझो जरा ध्यान से इधर, वन माइनस टेन ए, वन माइनस इस कॉट ए को क्या लिख दोगे? वन बाई टेन ए। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नीचे एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? वन माइनस टेन ए। एलसीएम लोगे तो यहाँ वन लिखा जाएगा, एलसीएम आएगा इसका टेन ए, क्या आएगा? थर्ड के इक्वल, सेकंड टर्म भी थर्ड के इक्वल, तो सारी बराबर होगी, ठीक है? सभी टर्म क्या है? बराबर है, ठीक है? नीचे वही लिख दो, देयरफॉर नीचे वही लिख दो, लास्ट वाली टर्म देयरफॉर तीनों को सूत्र दो, फर्स्ट भी थर्ड के इक्वल, सेकंड भी थर्ड के इक्वल, थर्ड के फर्स्ट सेकंड के इक्वल। फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये डाउट है, किसका डाउट है ये? फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ओल्ड बुक में फिफ्थ का थर्ड है ना। देखो बच्चों फिफ्थ का थर्ड पार्ट जरा देखो, क्या गिवन है हमें बताओ? टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा, ठीक है? हाँ आगे क्या है? प्लस प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। पहले तो बच्चों साइन को उसमें चेंज करो इसको फटाफट, ठीक है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है? नीचे क्या आएगा बताओ जरा? वन माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस आगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फटाफट एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर को ऐसे ही रखो, बताओ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहां पर क्या बन जाएगा? साइन थीटा आ गया, किसका आया? ये क्या है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे क्या आएगा? कॉस थीटा माइनस, और इसके नीचे क्या है?
कॉस थीटा। देखो बच्चों कैसे लिखोगे इसको, बताओ जरा लिखोगे कैसे इसको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये नीचे वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, समझ आया। प्लस इसको कैसे लिखोगे बच्चों, कॉस थीटा बाई साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा। एक काम और करना है आपको, और वो मैं बताऊंगा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉमन लिया उसका क्या होगा भाई, वो यहाँ आ जाएगा, जो माइनस यहाँ से कॉमन लिया वो यहाँ बीच में आ जाएगा, यहाँ तो प्लस ही था सॉरी, यहाँ पर आएगा। ये समझ आया माइनस यहाँ क्यों आया, कहाँ से समझ नहीं आया बताओ जरा, ये कॉस थीटा इसमें से माइनस कॉमन, इसमें से माइनस कॉमन, हाँ माइनस माइनस निकालो, निकाल लिया क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और वो जो माइनस हमने कॉमन लिया वो कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, तो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, माइनस, ठीक है। इसके आगे एलसीएम लेना है, आगे कैसे होगा ये सब देखो जरा। यहां पर हम साइन इंटू साइन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय दिस इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, इसको देखो जरा, कॉस इंटू कॉस क्या हो गया बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय दिस इज साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एज इट इज रखा हमने, कुछ चेंज नहीं किया यहाँ पर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम लेंगे अब यहाँ पर, हम ऐड करने हैं ना हमें दोनों, सॉरी सब्ट्रैक्ट करने हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा बच्चों, ये टर्म तो कॉमन है दोनों फ्रैक्शंस में, राइट, एंड यहाँ पर कॉस थीटा है या साइन थीटा है, अब एक बात सुनो, 2 into 3 प्लस 2 into 4, 2 into 4 नहीं कोई और नंबर लेते हैं हम, 2 into 5, तो बच्चों यहाँ पर देखो तो इसका एलसीएम क्या आएगा, ये जो 2 कॉमन है ये एलसीएम में दो बार रिपीट नहीं होगा, एलसीएम में एक ही बार आएगा, इनटू क्या होगा 3 और इनटू क्या होगा 5, ये एलसीएम होगा, तो जो कॉमन टर्म होती है वो दो बार नहीं लिखी जाती है, वो एक ही बार लिखी जाएगी, 6th-7th में आपने सीखा होगा। सो कॉस थीटा तो आएगा यहाँ पर, साइन थीटा भी आएगा, लेकिन ये जो टर्म है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये यहाँ पर सिर्फ एक बार ही आएगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो जरा, आप यहाँ के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो कॉस कैंसिल हो जाएगा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन